मटर पनीर की सब्जी, उसके लिए मैंने ये अदरक थोड़ा इसको क्रश वो करा है, ग्रेट करा है, और ये है प्याज, ये लहसुन और ये है टमाटर। पहले वो गर्म हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दिया। मैं अब डालूंगी इसमें लहसुन, इसको ना हाफ रोस्ट करके ना मैं साइड पे ठंडा होने के रख दूंगी। थोड़ी देर बाद हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे अच्छे से। हमारा कुछ इस तरह से चुके, अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर और इस तरह से हाफ कुक हो चुका है, इसको अपना गैस बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रखूंगी। फाइनली अभी है मसाला जो है मैंने ग्राइंड कर लिया, इस तरह से इसको हम लगाएंगे तड़का। मैंने अच्छे से मिक्सी में इसको ग्राइंड करा है, इसे क्या है ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है। ये है हमारे घर का पनीर जो कि मैंने इसको गर्म पानी में डिप करके रखा है, इसको हम कट करेंगे अच्छे। इधर जो है वो तेल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, तेल पक चुका है, इसमें डालेंगे हम इन्ग्रीडियंट्स और डालेंगे सूखा धनिया। थोड़ी देर में मैं ढक के रखूंगी इसको, अच्छे से पकाना है। पनीर जो है मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। ये जो घर का पनीर होता है ना, कुछ शेप्स इसकी अच्छी आ जाती है, कुछ जैसे ये साइड से रह जाता है, बट खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है घर के पनीर का। तो हम यही प्रेफर करते हैं कि घर पर ही बनाया जाए पनीर और इसकी अच्छी अच्छी सब्जी खाई जाए। अभी जब तक इधर हो रहे हैं मटर, मैं तब तक कर लेती हूँ कुछ और काम। अनवीत को बनाना है, बट डैडी जी उसको लेके जा चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अनवीत के जो कुछ विंटर्स के कपड़े थे मुझे वो सेट करने हैं। मेरे को उधर वाली मम्मी का फोन आ रहा था, मम्मी कहते हैं दोपहर का खाना तैयार करके इधर आ जा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता मेरे कितने काम पड़े हैं। तो मैंने आज कितने काम सोचा जाने को, तो मम्मी के पास जाया हूँ, काफी टाइम हो गया उनको मिले हुए। अंकुश से तो मेल जोल होते रहता है क्योंकि कभी फोन लेके आना है, कभी दे के आना है उसको, तो ये चीज रहती है। हाँ, पिछले संडे जब हम फोन लेने गए थे तब मम्मी मेरे को मिले थे, तो मम्मी कहते कि आजा, कितना टाइम हो गया, थोड़ी देर शाम को चले जाना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। बट अभी पंकज जो है वो खेत में ही लगे हुए और मेरे को काम बहुत सारे करने हैं। कोई बात नहीं, मम्मी के पास फिर चले जाए, मैं उनको समझा दें और अभी करते हैं काम, क्योंकि घर पे भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ऐसे जाना, क्योंकि हमारे पास भी छुट्टी वाला दिन नहीं होता है, तो सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं इन चीजों। वैसे कभी होते तो नहीं है, बट खुद इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तभी जो है वो फैमिली चलती है, नहीं तो हर तीसरे दिन मतलब कुछ ना कुछ चला ही रहता है। पता ही होगा आप लोगों को फैमिलीज में क्या क्या होता है, बट हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब लोग और हम भी एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, कि किसी को सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दे, है ना। तो ऐसी चीजें रहती है, खुद मैनेज करना होता है। मन तो करता है मम्मी के पास जाने का, बट अभी नहीं जाऊंगी, अभी पता है थोड़ा टाइम वेट करके फिर मैं रहने के लिए जाऊंगी। अभी नहीं, अभी भाभी भी आ जाएंगे, उनकी एक्चुअली थोड़ी ना तबीयत खराब चल रही है। हुआ क्या, उनके जो स्टिचेस थे वो थोड़े सेट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो रुई है ना, सॉरी, वो रात को सोती नहीं है, तो जैसे स्टार्टिंग डेज में क्या होता है बच्चों को नींद जो है वो प्रॉपर नहीं आते, तो भाभी सारा दिन उसको सारी रात मतलब या दिन में भी उसको ऐसे बिठा के ना ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो उसकी वजह से जो स्टिचेस है वो अप एंड डाउन की वजह से वो सेट नहीं हो पाए। अब उनको क्या है, इतनी प्रॉब्लम हो गया है कि उनको डेली ड्रेसिंग करवानी पड़ती है, उसमें पस पड़ चुकी है, इतना बुरा हाल हो गया। एक्चुअली हुआ तो केस विंटर्स में ही था, फैब मिड में, बट फिर भी हम भी काफी परेशान हो गए इस चीज से कि ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो चलो ये चीजें चलती रहती है। अभी हमने उनको बोला कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ हम संभाल रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, कि जब यहाँ पे भी आ जाएंगे ना, बंदा फ्री नहीं बैठ पाता, उसको लगता है मैं ये भी कर लूँ वो भी। उधर ही है कि उनकी मदर जो है वो उनकी अच्छे से केयर कर रहे हैं, और हम भी, मैं और मम्मी जी यहाँ पे वर्किंग है, निकल जाते हैं, तो ऐसे पीछे से थोड़ा सा ध्यान रखना जो है मुश्किल हो जाता है। इधर कुछ मटर हमारे इस तरह से पक चुके हैं, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी मैंने पहले नहीं डाली थी, अब डालूंगी। इधर जो है वो मटर हमारे अच्छे से हो चुके हैं, और इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। सब्जी जो है हमारी कुछ इस तरह से बनी थी, ठीक हो मम्मा? हो जाएगा, इसकी सर्विस होगी तब ये ठीक हो जाएगा। काकू आ जा जल्दी, आ चल चल। बस 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 बेटा, तो आज है संडे और हमें देना है
बाबा बालकनाथ जी का रो नई फसल का, तो मैं उसकी तैयारी करूंगी। और मुझे ना कल मैं देख रही थी कैसे बनाऊंगी कैसे, फिर मैंने सोचा कि बड़ा सिंपल है तो मैं आज उसको बनाऊंगी और माथा टेकेंगे। वैसे तो हम क्या करते हैं, चपातियां बनाते हैं डबल डबल करके चढ़ा देते हैं, और मेरा मन था कि अगर रोट चढ़ाना तो अच्छे से चढ़ाना चाहिए, तो कई बार हम मीठे परांठे बनाते हैं। यहाँ जो मम्मी है ना हमारे इधर वाले, जब मेरी नई नई शादी होती थी तब ऐसे ही बनाते होते, फिर उसके बाद कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, फिर मैंने कहा हम भी ऐसे बना, बनाओ देखो, मैंने कहा मेरे को सिखा देना मैं बना दूंगा, वैसा ही कुछ हुआ। और मैंने अभी सोच रही, मेरी आंख ना 6 बजे खुल गई थी और मैं फटाफट से उठ गई, नहीं तो मैं संडे को 6:30-6:15 उठती हूँ आराम से, तो आज मेरी आंख 6 बजे खुल गई और मैं नहा धो के अभी 6:30 हो रहे हैं 6 बजे। ये वाला रोट प्रसाद कैसे बनाते हैं वो भी शेयर करूँगी। ये मैंने देसी घी लिया है, ये है हमारी सौंफ और ये है चीनी का बूरा, जितनी जरूरत होगी मैं उतना डालूंगी। और ये मैंने गाय का दूध अलग से निकाल लिया था और ये है गरी बुरादा। और अभी सबसे पहले मैं इसमें सामान मिक्स करूंगी, चीनी ऐड करेंगे और ये होगी मिक्स कर ली, इसको आटे में अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैंने इसमें डाल दिए सौंफ, क्योंकि सौंफ का ही फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। और ये है घी, आटे में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको सिर्फ दूध में ही गूंदना होता है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। रोट प्रसाद के लिए जो हमारा आटा है कुछ इस तरह से हो चुका है, इसको हम थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे थोड़ी देर, फिर मैं इसको बने इस साइज का बेल के इसको फिर हमने उंगली जैसे चुंटियां जैसे करते हैं वो करना है, मैंने भी ये यूट्यूब से देखा है। और इसको अच्छे से हमने ऐसे बना लिया, थोड़ा मोटा रखना है इसको। चकली और बेलन पे मैंने ऑयल हल्का हल्का लगा लिया था और इधर हमारा जो तेल है वो गर्म हो रहा है, इसको करते हैं फ्राई। हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से हो चुका है, मैंने इस मेरी फाइंड में करा, अभी थोड़े से बस रह गए, अच्छे लग रहे हैं, बाकी बाबा जी प्रसन्न होने चाहिए। और मैं इसको भी रैप करूंगी और पौन में अच्छे से लपेट के रखूंगी। तो अभी मैंने अनवीत को नहला के व्हाइट कुर्ता पजामा पहना दिया है क्योंकि हमें टेकना है माथा। पंकज जी को मैंने अभी कॉल करा है कि आके माथा टेक लो, बट अभी वो ग्राउंड में ही है। इसका हेयर कट भी करवाना है क्योंकि इसके हेयर जो है थोड़े बढ़ गए हैं। तो सब कुछ जय बाबा जी की बोल दो। जय बाबा जी। तो की तय करते करते मुझे ना पंकज एक मैंने अपना एक और सूट मंगवाया था, ऐसे करने के बहुत सारे हो चुके हैं। अभी हमें ना जैसे माथा टेकने भी जाना है, कहीं जाना होता है गर्मी का मौसम है, तो मैंने ना अच्छा रेट मिला तो मैंने ये वाला सूट मंगवाया। आप गेस करना ये वाला सूट जो है मुझे बड़े अच्छे रेट पे मिला और इसकी कॉस्ट सिर्फ 1100 समथिंग है, 1150 के अराउंड का सूट था, बड़ा अच्छा लगा। और चल में कॉस्ट ये 3000 का है बट मैं ऑफ पे लेती हूँ, मैंने आपसे पहले भी बताया। और कलर जो है इसका बहुत अच्छा है, जब भी मेरे को ना हर बार एक मिनट आना पंकज इनको बोलती हूँ आप शूट करोगे तभी दिखा पाऊंगी, बड़ा अच्छा प्रिंट है इसका। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह से, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था बट मुझे हर बार जो है इसका साइज नहीं मिलता था, बट अभी मुझे क्या है फाइनली इसका जो साइज है वो एल साइज मुझे आता है तो मिल चुका है। और इसकी बेल शेप जो है वो इसकी बाजू है बड़ी सुंदर है तो अच्छा लगा। और रेट भी इसका बड़ा जेन्युइन है, 1150 में मैंने लिया और अच्छा लगा। गर्मी में ऐसे कपड़े लाइट कलर के अच्छे लगते हैं। इसका बॉटम कुछ इस तरीके से है, अच्छा है, लूज वाला है ये। और ये है इसका दुपट्टा, 3-4 दिन हो गए आए हुए, मैंने ऐसे ही रख दिया था बट अभी मेरे हाथ में लगा है तो मुझे याद है हाँ ये सूट भी मैंने लिया हुआ है। ये है इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा, ये वाला। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सूट कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला। बट अब क्या हो गया सारे कलर सेम हो जाते हैं मेरे पास, यहाँ पे लगाना शुरू करने का दाल बनाई माँ की दाल ना ये मैंने चढ़ा दी थी रखी हुई है और ये मैंने रख दिए थे तड़का, उधर बना दूँ मैं राइस। आप ऐसे करो मेरी हेल्प कर दो, जो मैं कपड़े रख के आई हूँ ना प्लीज आप उसको समेट दो, ठीक है मैं आप कर लूँगी। है तड़का आ रही हूँ, अभी लगाया नहीं है मैंने। और इधर दाल को कुछ भी चलाने के बाद मैं ऐसे ना ढक्कन खुला छोड़ के ऐसे सेक लगवाती हूँ, इससे क्या है दाल हमारी अच्छी बनती है। तो दाल हमारी कुछ इस तरह से बन चुकी है। और आप सोच रहे होंगे कंचन के ब्लॉग में मम्मी कहाँ से आ गया, एक्चुअली जब फोन हमारे पास आया हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, हमने सोचा थोड़ा सा पार्ट मम्मी का भी ले लेते हैं, फिलहाल मम्मी घूम रहे हैं मंदिर में, सैर कर रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर। इतना ठंडा हो रखा है ना, फैन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना मम्मी। बारिश हुई थी आज यहाँ पे,
हुई। मैं तो ऊपर गया था ना बिलासपुर, वहाँ पे तो नहीं हुई, वहाँ पे हुई, हुई बहुत हुई वहाँ पे, इधर हुई ना। तभी थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है, बट क्या है कि है अभी भी ठंडी हवा चल रही है। हमारा जो वाईफाई है बहुत स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों, ये भी सुस्ता गया है, ये भी ससुरा कहना नहीं मानता। तो फिलहाल क्या है कि इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा ब्लॉग है, नए वीडियो में हम मिलते हैं आपको कल, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करके हम एडिट करते हैं ताकि आपके तक पहुँच जाए, नहीं तो फिर आप फिर ऐसे वेट करते रह जाओगे कंचन का वीडियो, फिर मेरे को मैसेज करते हो कंचन का वीडियो नहीं आया है ना, तो आ जाएगा। आराम से बैठिए, देखिए और अगले व्लॉग का वेट कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं। थोड़ा सा प्यार कम है लेकिन हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, जितने आप दे रहे हो सही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और बट आपके कमेंट्स जो होते हैं ना मिल देख के पढ़ के इतनी खुशी होती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, कि जैसे हम पॉजिटिव हैं वैसे हमारे सब्सक्राइबर भी पॉजिटिव है और कमेंट्स भी पॉजिटिव होते हैं। बट क्या है कि हमारी इन बातों को सुन के अब हेटर्स आएंगे, वो भी डियर हेटर्स, अलग अलग तरह की बातें उठाएंगे, हमें उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पढ़ना चाहिए, और क्या कहते हैं अपना कमेंट्स भी करेंगे, वो हमारे पास हथियार है, अगर कोई गंद लिखेगा ब्लॉक कर दो, है ना, क्योंकि हमें अपने कमेंट सेक्शन में गंद को रख के हम नहीं चाहते कि हमें व्यूज़ आए और दूसरों के लिए हम हेट फैलाएं, या फिर हम अपने लिए अपना क्या कहते हैं नेचर गंदा दिखाएं। एक तो पढ़ लेते हैं, ब्लॉक मारो कि ताकि फ्यूचर में वो कर ना पाए, यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए सबके लिए, यही एडवाइस है ना। फिर हम बोलेंगे हम परेशान हो रहे हैं, भाई हमारे हाथ में तो हथियार है, ब्लॉक करो ना उसको, दोबारा करेगा नहीं, दो बनाएगा आई डी, तीन बनाएगा, चार बनाएगा, बंद करो, है ना। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यही बैन करते हैं, बाय बाय।